नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति और आ गई हूं मैं आज एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओलंपिक गेम की हिस्ट्री के बारे में, इसकी शुरुआत कब से हुई, कहां से हुई और भी इससे जुड़े हुए कई फैक्ट हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। ओलंपिक गेम कंपटीशन में लीडिंग गेम कॉम्पिटिशन है जिसमें हजारों एथलीट कई तरह के गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ओलंपिक की विंटर और समर कॉम्पिटिशन में 200 से ज्यादा देश पार्टिसिपेट करते हैं। ओलंपिक गेम हर 4 साल बाद खेला जाता है। ओलंपिक गेम 1896 से 2021 तक की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। पहले ओलंपिक गेम्स के इवेंट 1200 साल पहले वॉरियर प्लेयर्स के बीच में हुआ था। पुराने समय में पीस टाइम इंटरवल के दौरान वॉरियर के बीच कंपटीशन का डेवलपमेंट हुआ। शुरुआती दौर में दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती और मिलिट्री ट्रेनिंग का हिस्सा हुआ करते थे। इनमें से सबसे बेहतर डिस्प्ले करने वाले कॉम्पिटिटर गेम में अपना दमखम दिखाने का मौका मिलता था। पहले के टाइम में ये ग्रीस यानी कि यूनान की कैपिटल एथेंस में 1896 में ऑर्गेनाइज किया गया था। ओलंपिया माउंटेन पर खेले जाने की वजह से इसका नाम ओलंपिक पड़ा। ओलंपिक में स्टेट और सिटी के प्लेयर्स हिस्सा लेते थे। इसकी पॉपुलेशन का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि ओलंपिक खेलों के दौरान सिटी और स्टेट के बीच में लड़ाई तक पोस्टपोन कर दी जाती थी। इन गेम्स में लड़ाई और घुड़सवारी काफी फेमस गेम थे, लेकिन इसके बाद सालों तक ओलंपिक एजिटेंशन का रूप नहीं ले पाया। तमाम सुविधाओं की कमी, इवेंट की होस्टिंग और खिलाड़ियों का कम पार्टनरशिप, इन सभी समस्याओं के बावजूद धीरे धीरे ओलंपिक अपने मकसद में कामयाब होता गया। पहले के टाइम में ओलंपिक की शुरुआत 1776 BC के करीब मानी जाती है। पहले के टाइम में ओलंपिक में बॉक्सिंग, कुश्ती, घुड़सवारी के खेल खेले जाते थे। गेम के विनर को पोयम और स्टैचू के जरिए प्रशंसित किया जाता था। हर 4 साल में होने वाले ओलंपिक खेल ओलंपियाड के नाम से भी जाना जाता था। ओलंपिक गेम्स इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज होने वाली मल्टी सपोर्ट कॉम्पिटिशन है। 6वीं और 5वीं शताब्दी में ओलंपिक गेम्स की पॉपुलेशन बढ़ गई थी, लेकिन बाद में रोमन एम्पायर की बढ़ती पॉपुलेशन से ग्रीस अट्रैक्ट हुआ और धीरे धीरे ओलंपिक गेम की पॉपुलेशन गिरने लगी। 1896 के बाद 1900 में पेरिस को ओलंपिक की होस्टिंग का इंतजार नहीं करना पड़ा और वर्जन पॉपुलर नहीं हो सके, क्योंकि इस दौरान बड़े इवेंट्स की कमी थी। 2008 में चीन की कैपिटल बीजिंग ओलंपिक में अब तक का सबसे अच्छा ऑर्गेनाइजर माना गया है। 15 दिन के चले ओलंपिक खेल के दौरान चीन न सिर्फ अपनी शानदार होस्टिंग से लोगों का दिल जीत पाई है, बल्कि सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतकर भी इतिहास रचा है। इंडियन हॉकी टीम ने ओलंपिक के हॉकी इवेंट में अपना पहला गोल्ड मेडल साल 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। मेजर ध्यानचंद ने इस पूरे ओलंपिक में अकेले सबसे ज्यादा 14 गोल दागे थे, जबकि इंडियन टीम ने 5 मैचों में कुल 29 गोल किए थे। इस दौर को इंडियन हॉकी का द गोल्डन एज भी कहा जाता है। वहीं अगर ओलंपिक हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया के नाम अब तक कुल 35 मेडल है। इनमें 10 गोल्ड और 9 सिल्वर, 16 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। सबसे ज्यादा 8 गोल्ड मेडल इंडिया की हॉकी टीम ने जीते हैं। वर्ल्ड के सबसे पुराने इंटरनेशनल गेम सेलिब्रेशन ओलंपिक का इवेंट 2016 का ब्राजील के सिटी रियो डी जेनेरिया में 5 से 21 अगस्त तक चला था। रियो डी जेनेरिया ओलंपिक में 26 खेलों में 204 देशों के लगभग 10,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 2016 में इंडिया ने ओलंपिक में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जब से ओलंपिक की शुरुआत हुई तब से लेकर आज तक इंडिया ने खेलों के इस महाकुंभ में 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। खास बात यह है कि इन 10 में से 2 ही मेडल भारत के इंडिविजुअल खिलाड़ियों ने अपने नाम के हैं। ये दोनों मेडल एथलेटिक्स के शूटिंग से आए हैं। अब बात करेंगे ओलंपिक के आइडियल की। ओलंपिक के आइडियल की बात करें तो ओलंपिक फ्लैग गोरेन पीरेट डी कोबर्टिन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक फ्लैग का क्रिएशन हुआ। जून 2014 को इसका विधिवत इनॉग्रेशन पेरिस में हुआ था। इस फ्लैग को सबसे पहले 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। फ्लैग का बैकग्राउंड व्हाइट है। सिल्क से बने फ्लैग के बीच में ओलंपिक सिंबल के रूप में 5 रंग दिखाई देते हैं जो एक दूसरे से मिलते हुए होते हैं, जो वर्ल्ड के 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करने के साथ फेयर एंड फ्री कॉम्पिटिशन का सिंबल है। नीला चक्र यूरोप, पीला चक्र एशिया, काला चक्र अफ्रीका, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया, लाल चक्र उत्तरी और दक्षिण अमेरिका को दर्शाता है। ओलंपिक का एम यानी कि उद्देश्य की बात करें तो 1897 में फादर डिडोन के कंपोज सिटियस लैटिन में ओलंपिक के एम है। इसका अर्थ है तेज, ऊंचा और बलवान। इसको पहली बार 1920 में ओलंपिक के उद्देश्य एम के रूप में बेल्जियम में ओलंपिक खेलों में पेश किया गया था। ओलंपिक मशाल की बात करें तो इसको जलाने की शुरुआत एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी। 1936 में ओलंपिक में मशाल के प्रेजेंट फॉर्म को अपनाया गया। इसी समय से मशाल को वेन्यू तक लाने का चलन शुरू हुआ। इस मशाल का खेल शुरू होने के कुछ दिन पहले यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य किरणों से इसे इग्नाइट किया जाता है। सभी खिलाड़ियों को वहां से इवेंट तक ले जाया जाता है।
इसी मशाल से गेम के फंक्शन के स्पेसिफिक की मशाल इग्नाइट की जाती है। अब बात कर लेते हैं ओलंपिक में मिलने वाले मेडल्स के बारे में। ओलंपिक गेम में तीन तरह के मेडल दिए जाते हैं, गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक, सिल्वर यानी कि रजत पदक, ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक। तो आप जान लेते हैं ओलंपिक गेम में मिलने वाले मेडल का वेट कितना होता है। वैसे तो ओलंपिक मेडल 500 ग्राम के होते हैं, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा वेट वाले मेडल हैं। इस बार 2021 में गोल्ड मेडल करीब 556 ग्राम का है, जबकि सिल्वर मेडल 550 ग्राम का होता है और ये पूरा सिल्वर का बना होता है। वहीं ब्रॉन्ज मेडल 450 ग्राम का है, जिसमें 95% कॉपर और 5% जिंक मिलाकर बनाया गया है। इन मेडल को कई चीजों को रिसाइकल करके बनाया गया है और इनमें करीब 92% फाइन सिल्वर है, क्योंकि इसे कांच, एक्सरे प्लेट और कई तरह की चीजों को मिलाकर बनाया गया है। तो दोस्तों, ये तो थी ओलंपिक गेम की हिस्ट्री और इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट के बारे में बात। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल स्वीट सी स्वाति को सब्सक्राइब करें।